बीजेपी प्रमुख अमित शाह ने भारत में वंशवाद पर राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि परिवारवाद देश की नहीं बल्कि कांग्रेस की खूबी है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल के बयान पर शर्मिंदगी जाहिर की। शाह का कहना है कि बीजेपी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि वंशवाद कांग्रेस की खासियत है, इसे देश पर नहीं थोपिए राहुल जी। जेटली ने भी राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के बारे में क्या कहें। उस दिन मैं शर्मिंदा हुआ जब उन्होंने अमेरिका में कहा कि वंशवाद इस देश में स्वभाव है। भारत के नेता सिर्फ पारिवारिक वंश से ही आ सकते हैं और कहीं से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने वोटों के लिए गरीबों को गरीबी में रखा।